छुपाए, ये वो युवा है जिनको नशे की लत ने बिगाड़ दिया है। आज इन्हें अपनी पहचान उजागर होने का डर इसलिए सता रहा है क्योंकि रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान इन्हें पकड़ा गया है। दरअसल नोएडा की फेमस सुपरनोवा बिल्डिंग में रेव पार्टी चल रही थी, तभी पुलिस की एंट्री होती है और वो हैरान रह जाती है। पुलिस का छापा पड़ते ही युवाओं के होश फाकता हो गए, कुछ रुमाल से चेहरा ढकते नजर आए तो कुछ का चेहरा शर्म से झुक गया। बताया जा रहा है कि लड़के लड़कियां नशे में धुत थे, किसी को कुछ होश नहीं था। रेजिडेंस का आरोप है लड़के और लड़कियां ड्रग्स और शराब की पार्टी कर रहे थे। छात्रों ने 19वें फ्लोर से नशे में बोतलें भी फेंकी। नशे की हालत में छात्र छात्राओं पर सोसाइटी के लोगों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने थाने में कॉल कर इस मामले की शिकायत कर दी और हंगामा शुरू कर दिया। उधर शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने फ्लैट में छापेमारी की, वहां का नजारा देखकर वो भी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र के युवा नशे में टल्ली थे। दावा है एक फ्लैट के नामचीन कॉलेज के करीब 50 युवा शराब और ड्रग्स ले रहे थे। ये इनवाइट भेज के सब लोगों को बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक रेव पार्टी में बाकायदा फीस ली जाती थी। सिंगल एंट्री 500 और कपल एंट्री फीस 800 रुपए थी। पार्टी में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं तेज आवाज में नाचते और मौज मस्ती कर रहे थे। पार्टी में नशाखोरी के साथ अश्लीलता भी होती थी। ये मामला थाना सेक्टर 126 क्षेत्र का है। छापेमारी वाली जगह से पुलिस ने शराब की बोतलें और हुक्का बरामद किया है। ये मामला थाना सेक्टर 126 क्षेत्र का है। छापेमारी वाली जगह से पुलिस ने शराब की बोतलें और हुक्का बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों सहित 35 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।